हम अल्लाह से ये दुआ करेंगे आप लोगों के लिए। आप लोगों तो अल्हम्दुलिल्लाह रोजा भी खोल चुके होंगे, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान में तो टाइम भी हो गया होगा तकरीबन। यहाँ की सबसे बड़ी अफ्तार पार्टी है, सारे डब्बे में अफ्तार पैक होकर के आया हुआ है। इधर लेडीज लोग अफ्तार ही करते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी दोस्तों, आज है 9 रोज़ा और अल्हम्दुलिल्लाह 8 रोज़ा बीत गया है और आज 9 रोज़ा है। और 9 रोज़ा के इस मुबारक दिन पे आपको हम लेके चल रहे हैं मस्जिद नबवी की ओर, और आज आपको दिखाएंगे जो 9वें रोज़ा की अफ्तारी जो मस्जिद नबवी में हम आज करने वाले हैं, और वहाँ आपको दिखाएंगे वहाँ का जो रौनक, वहाँ का जो व्यू है। माशाल्लाह आपको 9 रोज़ा की अफ्तारी जो होगी आज मस्जिद नबी में, और हम भी वहीं करेंगे इंशाल्लाह अफ्तारी। तो चलिए अभी हम आपको लेके सीधे चल रहे हैं मस्जिद नबी में, और ये आपको दिखाएंगे कि यहाँ मस्जिद नबी में अफ्तार पार्टी किस तरह से लोग करते हैं। और हम अल्लाह से ये दुआ करेंगे आप लोगों के लिए कि इंशाल्लाह आने वाले रमज़ान में आप लोगों को भी यहाँ की अफ्तार पार्टी में शामिल करे अल्लाह पाक आप लोगों को। तो चलिए फिर हम आपको दिखाते हैं कि मस्जिद नबी में यानी कि हम हरम में अब अंदर जाने वाले हैं। देख सकते हैं जी दोस्तों, तो अभी हम हरम में आ गए हैं और आप देख सकते हैं ये मंजर आपको जो देखने को मिल रहा होगा, कितना खूबसूरत मंजर है इधर। तो जी दोस्तों, देख सकते हैं ये इधर लेडीज लोग अफ्तारी करते हैं, और ये जो एरिया हो गया इधर जेंट्स लोग जो है ना इधर अफ्तार के लिए बैठे हुए हैं, और उधर जो मैंने आपको दिखाया उस साइड उधर लेडीज लोगों को अफ्तार करवाया जाता है। और ये देख सकते हैं आप कुछ इस तरह का मंजर आपको देखने को मिल रहा होगा, सब अफ्तारी पे बैठे हुए हैं, दस्तरखान पे बैठे हुए हैं। और ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये डब्बे में, ये सारे डब्बे में अफ्तार पैक होकर के आया हुआ है। और ये देखिए कुछ इस तरह का मंजर है माशाल्लाह। हाँ दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी अफ्तार पार्टी मक्का और मदीना मनवरा में करवाई जाती है, और यही वो एक ऐसी जगह है जहाँ से लोग आते तो हैं खाली हाथ पर जाते हैं उनकी झोलियाँ भर करके। तो अल्लाह पाक से हम दुआ करेंगे कि आप लोगों के लिए भी जल्द से जल्द यहाँ की दरवाजे खोल दें और जल्द से जल्द यहाँ की हाजिरी नसीब अता फरमाएँ। जी दोस्तों, तो अभी कुछ ही देरों में अजान होने वाली है और अल्हम्दुलिल्लाह 9 रोज़ा कंप्लीट हो जाएगा, और देख सकते हैं कि सभी लोग कुछ ही देर में रोज़ा खोलेंगे। और आप लोगों के लिए भी हम दुआ करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला आप भी आप लोगों को भी यहाँ इफ्तारी करने का तौफीक अता फरमाएं, और इस तरह से कुछ देख सकते हैं ये जो जितने भी लोग हैं सारे कंट्री से यहाँ जो लोग आते हैं लोगों के साथ अफ्तार करने का मौका मिलता है, और लोगों के लिए भी हम दुआ करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, अब रोज़ेदारों तक अफ्तारी पहुँचाने का काम शुरू हो गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह बस कुछ ही देर में अब सभी लोग यहाँ रोज़ा खोलेंगे। तो ये देखिए, ये हमारे जो भाई हैं ये लोग रोज़ेदारों की खिदमत में किस तरह पूरा लगे हुए हैं, ताकि उन लोगों तक, रोज़ेदारों तक जो अफ्तार पहुँचाने का काम करते हैं ये भाई लोग, अल्लाह पाक इन हर वो ख्वाहिशों को पूरा करें। ये लोग बहुत से मेहनत करते हैं। तो ये देखिए, ये जो है यहाँ के जो गवर्नमेंट है इस तरह से पूरा डिज़ाइन कर रखा है। ये देखिए, ये कितना अच्छा खुशी किस्मत होंगे वो लोग जो यहाँ अभी अफ्तारी कर रहे हैं, और जो लोग नहीं कर पाए हैं किसी कारण से, अल्लाह पाक उनको भी जल्द से जल्द आने वाला रमज़ान में यहाँ की अफ्तारी
में शामिल करे और उनके हर वो ख्वाहिशों को पूरा करे, और अल्लाह पाक से यही दुआ करेंगे हम। और आप लोगों तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा भी खोल चुके होंगे, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान में तो टाइम भी हो गया होगा तकरीबन, तो यहाँ आप हम लोग भी रोज़ा खोलेंगे। देख सकते हैं जितने भी लोग यहाँ रोज़ेदार लोग जो देखने को मिल रहा होगा, ये जहाँ जितने भी सारे बैठे हुए हैं, ये तमाम कंट्रियों से जो यहाँ इकट्ठा होते हैं, यहाँ सब एक सफ में खड़े होकर के सब बैठ करके अफ्तारी करते हैं, खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी खुशी की बात है। देख सकते हैं दोस्तों अफ्तार डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है और सभी लोग अजान का वेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को यहाँ की लाइव अजाने भी सुनाएंगे, तो देख सकते हैं अभी भी लोग आ ही रहे हैं। जो लोग दूर से आते हैं वो अभी भी देखने को जो मिल रहा होगा, ये सभी लोग अफ्तारी के लिए आ ही रहे हैं। Thank you.
जी दोस्तों, तो अभी हमने इफ्तार कर लिया है और मगरिब की नमाज भी हमने पढ़ लिया है और देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब के बाद का कुछ इस तरह का मंजर है जो कि आपको देखने को मिल रहा होगा। तो दोस्तों अभी अब हम चल रहे हैं अपने रूम पे और इंशाल्लाह ताला फिर किसी दिन और मौका मिला तो आप लोगों को यहाँ फिर ज़ियारत करवाएंगे। तो देख सकते हैं कुछ एक बार मैं फिर से आपको दिखा दूँ, ये इफ्तार के बाद का व्यू है, सभी अपने अपने रूम पे जा रहे हैं नमाज पढ़ने के बाद। तो चलिए इंशाल्लाह ताला फिर कभी इंशाल्लाह मौका मिला अल्लाह ने चाहा तो फिर आपको ज़ियारत करवाएंगे। तो जब तक के लिए हम इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करेंगे। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।